देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल लक्सर विधानसभा के सुल्तानपुर पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कल दोपहर करीब 2 बजे सुल्तानपुर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री लक्सर में कई विकास कार्यों की भी घोषणा कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जिले के सभी आला अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का लक्सर दौरा कल, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुष्कर सिंह धामी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। रानीखेत में सत्य सनातन धर्म मंच द्वारा छावनी परिषद के बहुउद्देश्य सभागार में रविवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए सनातन धर्म मंच के संरक्षक गंगागिरी महाराज जूना अखाड़ा ने बताया कि लोगों के सहयोग से इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कई संत और महंत भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 1008 परिषति जी महाराज होंगे और विचार गोष्ठी से पहले रानीखेत बाजार में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये कार्यक्रम हमारा सनातन धर्म की एक ये विचार गोष्ठी है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सभी सनातनियों को जोड़ते हैं और सभी सनातन धर्मी अपने धर्म के बारे में जान सकें और सनातन धर्म क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इसके विचार क्या है, इसका आधार क्या है, इस बारे में अधिक से अधिक जान सकें। यही हमारी इसमें कोशिश रहती है और ये हम हर साल लगभग 10 अक्टूबर को ये कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल भी ये 10 अक्टूबर को की गई थी और इस बार भी ये 10 अक्टूबर को की जा रही है और अगली बार भी ये 10 अक्टूबर को की जा रही है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे आचार्य मंडलेश्वर जी, परेशति जी महाराज मंडलेश्वर हैं, परेशति जी महाराज। सितारगंज में किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच धान तौल को लेकर हुए विवाद के चलते किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रॉलियां लगाकर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद एसडीएम तुषार सैनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों और कच्चे आढ़तियों ने बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने कच्चे आढ़तियों पर मंडी परिसर के साथ घाट से किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। किसानों ने बताया कि तय मानकों के बावजूद भी कच्चे आढ़ती धान तौल में मनमानी कटौती करते हैं और आवाज उठाने पर धान तौल बंद कर देते हैं, जिससे किसानों की फसल खराब हो रही है और उसे औने पौने दामों पर खरीद सके। मामले में एसडीएम तुषार सैनी ने कच्चे आढ़तियों और किसानों से बातचीत करते हुए कच्चे आढ़तियों से किसानों को मानकों से अधिक कटौती न होने का भी आश्वासन दिलवाया है। जो कच्ची आढ़तियों के साथ डीएम साहब और किसानों की जो मीटिंग हुई थी, जो मानक तय किए गए थे कि अगर धान गंदा है, पंखा नहीं लगा है तो 2 किलो कटौती की जाएगी, लेकिन उसके बाद और मॉइस्चर की अलग, लेकिन उसके बाद भी 2 किलो से ऊपर लूट की जा रही थी कच्ची आढ़तियों के द्वारा, 2+4, 2+5, जो काश्तकार की इतनी कटौती हो रही थी कि उसका धान 1400 रुपये को पड़ रहा था उसको। इसीलिए यह विवाद हुआ और किसानों द्वारा यहाँ पर जाम लगा दिया गया। उसके बाद में एसडीएम साहब आए और वो जो लूट चल रही थी उस लूट को बंद कराया गया कि 2 किलो से ऊपर कटौती नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सहमति हो गई है। हाँ, अब सहमति हो गई है कि आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि अभी तक किस पोर्टल ही खुले हैं। 11 पोर्टल अभी जो है वो अभी रह चुके हैं, जो नहीं खुले हैं उनको भी तुरंत खोला जाए। अगर वो 11 पोर्टल खुलते हैं तो हमारी ट्रालियों की जो संख्या है यहाँ से वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो पोर्टल बाद में खुलते हैं तो उसकी लूट वो फिर जो कच्चे आढ़ती उससे लूट ही करेंगे, किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। तो हम इसलिए सरकार से मांग करते हैं इस समय 21 राइस मिल के जो पोर्टल हैं वो चल रहे हैं, 11 पोर्टल जो बंद हैं उसको भी खोला जाए, क्योंकि जो किसानों की जो ट्रालियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और खुल सके। किसान और कच्चे आढ़ती दोनों की अपनी अपनी समस्याएँ दोनों ने बताई हैं, जिसमें हमने दोनों ही पक्षों से बात करके फिर से जो है तुलाई वो शुरू करवा दी है। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि कितनी कटौती हो, तो इस जो इस संदर्भ में हमारी बात हुई है दोनों ही पक्षों से और अभी सोल्यूशन ये निकला है कि जो कटौती है वो कम से कम होगी, मानकों के अनुरूप होगी। और यदि कोई इस तरह का डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे किसान और आढ़ती दोनों ही पक्ष के
जो हैं वो समझदार और उनके जो इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग हैं, वो आपस में बैठ के उसको सोल्यूशन निकाल लेंगे और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो मेरे पास भी लेके आएंगे। क्योंकि अभी मैंने इनसे बात भी की है, कचरा आड़तियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अभी जो यहाँ पे जो कटौती होगी जिस पर किसान और आड़ती दोनों लोग सहमत होंगे वही कटौती होगी, उसके अलावा कोई भी कटौती जो है राइस मिल पर जाके नहीं होगी। नैनीताल में हर साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा नैना देवी मंदिर में 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में शांति फॉर्म से आए मूर्तिकारों द्वारा मूर्ति निर्माण करवाया जा रहा है। मूर्तिकार गोपाल मंडल ने बताया है कि मूर्ति में सभी प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इस दौरान कमेटी के संरक्षक प्रेम शर्मा ने बताया है कि इस साल कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी के साथ ये महोत्सव मनाया जाएगा। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवरात्र की धूम चारों तरफ नजर आ रही है। ऐसे में दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम को लेकर भी हर्षोल्लास देखा जा सकता है। 11 से 15 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा नैनीताल में और यहाँ पर मूर्तिकार भी पहुंचे हुए हैं जो एक से एक भव्य मूर्ति बना रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि ये मूर्तियां जो हैं वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। दुर्गा पूजा का 65वां वर्ष है और इस वर्ष भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए पूजा कार्यक्रम किए जाएंगे और हमारे पूरा प्रशासन और सभी नगरवासियों का सहयोग मिला, नगर पालिका परिषद पूरे हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिला के कार्य करने में को सफल बनाने में लगी हुई है। आज हमारे यहाँ मूर्तियाँ तैयार होकर रख दी गई हैं मंच स्टेज पे और वो कल से उसकी सजावट आदि का कार्य किया जाएंगे और 11 तारीख से हम सुबह कलश यात्रा से दुर्गा पूजा स्टार्ट करेंगे। हर साल आते हैं मूर्ति बनाने के लिए नैनीताल में, पहले हम लकड़ी से इसका फ्रेम बनाते हैं, फिर पुआल से इसका स्ट्रक्चर बांध के मिट्टी का लेप करते हैं, फिर मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर कला करते हैं, कोई प्राकृतिक रंग होता है उसी से, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी का, प्रदूषण में कोई नुकसान नहीं है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए सीमित यात्रियों की बाध्यता हटने के बाद केदारनाथ यात्रियों के पड़ावों में रौनक देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में यात्री भोले बाबा के दर्शन करने केदारनाथ पहुंच रहे हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। बता दें कि पास की बाध्यता को समाप्त करने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में केदार घाटी के बाजारों में रौनक नजर आ रही है। अब प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग से पैदल यात्रा के साथ ही हेलीकॉप्टर से आने वाली यात्रियों की भी संख्या बढ़ने लगी है। ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद पहले दिन 2300, दूसरे दिन 2500 और तीसरे दिन 2700 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, ई पास की बाध्यता खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उचित समय पे जो यात्रा पे वो उसको हटा दिया है और लगभग पिछले 2 साल से जो यहाँ के व्यवसाय थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे, उनके आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी, तो उसको देखते हुए कोर्ट का जो ये निर्णय है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार की जो पहल है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो काउंसिल है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालेश्वर में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट और हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर हार्क देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में महिला आजीविका सर्वधन में फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की भूमिका विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस परीक्षण कार्यशाला में हार्क के सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह कुंवर ने बताया है कि महिला आजीविका प्रोत्साहन के दृष्टिगत फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन पर जागरूकता और जानकारी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं को खाद्य गुणवत्ता के महत्व और बेहतर उपभोक्ता कैसे बने, इन सभी विषयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है। जो
लगता है कि शायद महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाला इस तरीके की प्रोसेसिंग यूनिट शायद ये उत्तराखंड में एकमात्र है जो इस स्तर पे चल रही है, और इसलिए यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को भी होता है। क्योंकि जब हम डे वन आए थे तो अधिकांश लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो इतनी एडवांस आप इक्विपमेंट डाल रहे हैं ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो गांव की महिलाएं, ये मेरे को बहुतों ने उस समय कहा। तो मैंने कहा देखिए अभी तो हम नहीं कह सकते कि भाई कर सकती नहीं कर सकती, तो एक बार करने देते हैं फिर इसके ऊपर बात करेंगे। और आज आपके सामने उदाहरण है कि ये सारा कार्य जो है इतनी एडवांस इक्विपमेंट है जिसको महिलाएं करती हैं। और मज़े की बात यह होती है कि जब महिलाएं इक्विपमेंट पर काम करती है तो मेंटेनेंस जो है तकरीबन मिल आती है, वो इतने बेहतर तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं। और आप देखें कि वो रिसर्च में भी जब हमने करीब अभी पिछले साल 19 प्रोडक्ट की नई रिसर्च की, तो हम इन ग्रामीण महिलाओं के साथ ही मिलकर रिसर्च करते हैं, तो इन्होंने करीब 19 नए प्रोडक्ट बनाए और उनमें से 5 प्रोडक्ट इन्होंने फिर से उतार भी दिए हैं। जी सर, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है वो जो स्वयं सहायता जो अलग अलग गाँव से जो महिलाएं यहाँ पे आ रखी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, हम लोग महिलाओं को क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, वो सारी मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर वाले हुए और सब विभाग से अलग अलग जगह से जो हम यहाँ बुला रखे हैं, इसीलिए बुला रखे हैं हम कुछ ना कुछ सिखाए, क्योंकि गाँव में वो महिलाओं को उतना ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करें। और अभी तक कितनी महिलाओं को आप लोगों ने प्रशिक्षण दिया होगा? सर, हमारे यहाँ कोई अस्थाई हैं और कुछ महिलाएं अस्थाई हैं, उनको करीब 1500 महिलाएं यहाँ भारत में जुड़ी हैं। चमोली में डिग्रीधारी छात्रों ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की नीति के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सोशल वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में तय किए गए मानकों पर नाराजगी जताई है। बता दें कि यह पद मूल रूप से व्यवसायिक तकनीक संवर्ग का है जिसमें शैक्षणिक योग्यता 2 वर्षीय व्यवसायिक कोर्स है। इसके लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें शैक्षिक क्षमता के रूप में समाज कार्य से स्नातकोत्तर डिग्री के स्थान स्वास्थ्य कल्याण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 1 साल का अनुभव अनिवार्यता के तौर पर रखा गया है। बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन जैसे हालात थे जिसका असर रोजगार स्वरोजगार पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इस बीच पिछले 2 से 3 सालों में जिन अभ्यर्थियों को समाज कार्य विषय में डिग्री ले रखी है उन्हें भी कोरोना के चलते कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते उन्हें कोई भी अनुभव नहीं मिल पाया। अब ऐसे सभी डिग्रीधारों का कहना है कि अब इन पदों में आवेदन के लिए वे अनुभव कहां से लेकर आएंगे। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में समाज कार्य विषय का कोर्स चाहता हूं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार की जो रोजगार नीति है उसके अंतर्गत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सोशल वर्कर की भर्ती निकाली हुई है। ये राज्य में पहली बार ये भर्तियाँ निकाली गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो विज्ञप्ति निकली हुई है उस विज्ञप्ति में काफ़ी ऐसी चीज़ें रखी गई है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं उनके लिए फिट नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि उसमें जो विज्ञप्ति में जो अर्हताएँ रखी गई हैं उसमें एक स्नातकोत्तर के साथ MSW स्नातकोत्तर के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 2 से 3 साल से कोरोना का काल चल रहा है और इस बीच रोजगार स्वरोजगार कहीं किसी को मिल नहीं पा रहा है। वर्तमान समय में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जो समाज कार्य क्षेत्र में कुछ रिक्तियां निकाली गई है उस रिक्तियों में जो उन्होंने 1 साल का अनुभव मांगा है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण जो लड़के MSW पास आउट हुए हैं उन्हें न तो कहीं जॉब मिली और ना ही उन्हें किसी क्षेत्र में एक्सपीरियंस मिला है। लिहाजा हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि MSW में जो भी रिक्तियां जो भी पद अभी फिलअप होने हैं उनमें बिना किसी अनुभव के MSW के आधार पर उनको अप्लाई करने की अनुमति दी जाए। मेरा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सचिव लोगों से निवेदन है कि ये लोग इस पर बहुत जल्दी कोई डिसीजन लें ताकि MSW के बेरोजगार छात्र छात्राओं को जो ये रिक्तियाँ इनमें बैठने का मौका मिले।
मुख्यमंत्री पुष्य सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को रोजगार व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया पा रहे हैं, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु और सीमांत कृषकों तथा राज्य के बेरोजगार निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने और ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को UPCL को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। SDRF वाहिनी जॉली ग्रांट में जोश और हर्षोल्लास के साथ वाहिनी का नवा स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सेना नायक नवनीत सिंह ने SDRF वाहिनी जॉली ग्रांट में सेंट्रल पुलिस कैंटीन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सेना नायक नवनीत सिंह ने बताया है कि साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा के बाद उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF की स्थापना हुई थी और स्थापना के साल ही अपने कार्य की मूल भावना के अनुरूप SDRF ने पर्वतीय प्रदेश की जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर देने वाली प्राकृतिक छोटी बड़ी आपदा, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना, जल रेस्क्यू, चारधाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कांवड़ महाकुंभ से अपना विशेष योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि साल 2014 में रुद्रप्रयाग में अपने प्रथम व्यवस्थानम के टेंट से शुरू हुआ ये बल आज राज्य के प्रत्येक जनपद में कर्तव्य पथ पर तत्पर रहता है। आज SDRF का जैसे हमारा नौवा स्थापना दिवस है और विगत 9 वर्षों में SDRF ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड, महाकुंभ, अर्धकुंभ और जो अलग अलग समय पर बड़ी बड़ी आपदाएं आईं, केदारनाथ आपदा के बाद से 2013 के बाद से इसका गठन हुआ था और इसका जो अब तक का प्रोग्रेस और जो उपलब्धियाँ हैं वो वास्तव में जो सराहनीय हैं, इसको सीनियर ऑफिसर्स और पब्लिक ने काफ़ी प्रेज़ किया है। अभी आज हमारा स्थापना दिवस है तो आज एक जो पुलिस की CPC कैंटीन यहाँ पे एक स्टार्ट करी है वाहिनी मुख्यालय में और निकट भविष्य में हमारी 5वीं कंपनी भी एक गठित होने वाली है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बटालियन मुख्यालय का बन रहा है ये भी अगले 4-5 महीने में हमको हैंडओवर हो जाएगा, तो इससे हमारी कार्यदक्षता जो कार्यकुशलता जो है और बढ़ेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि अपने को और जितना मदद कर सकें, पब्लिक में जा सकें उतना हम करेंगे इसको। लक्सर में टायर फैक्ट्री के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। बता दें कि टायर फैक्ट्री कर्मचारियों और फैक्ट्री प्रशासन के बीच त्रिवर्षीय समझौते को लेकर मामला चल रहा था, जिसे उत्तराखंड के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा कर्मचारियों को जूस पिलाकर समाप्त करा दिया गया। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें मायूस नहीं होने दिया जाएगा, वो अपने काम को पहले की तरह बेहतर ढंग से करते रहें। स्वामी जी एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, उसमें कहता है चमका पसीना बन के नगीना, काली रात जीती और मेहनत जीती, काली रात बीती और मेहनत जीती। तो ये 3 महीने की काली रात बीत गई है और पसीना जीत गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। जब मैं उनके दरबार में अब से 1.5 महीना पहले गया था, उन्होंने स्वामी जी को बुला के कहा था कि स्वामी जी आप राज्य के मंत्री हैं, आप इस समय हरिद्वार के प्रभारी हैं, आपको देखना है, आप देखिए जो देखना है। उस समय कुछ परिस्थितियाँ रही, बात नहीं बन पाई, लेकिन आज जब कल हम गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय स्वामी जी और हम दोनों गए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि फैक्ट्री प्रबंधन से कहा जाए कि जो कायदे की बात हो वो माने और मजदूरों से कहा जाए जो कायदे की बात हो वो माने। JK टायर प्रबंधन के खिलाफ जो हमारा श्रमिकों का आंदोलन जो पिछले 3-4 महीने से चल रहा था, उनकी 5 मांगे थी, उनकी 4 मांगे तो तत्काल मान ली गई है प्रबंधन के द्वारा और 1 मांग उनकी अभी बाकी है। जो हमारे प्रबंधन के लोग हैं, आज उनके साथ हमारे विधायक जी चैंपियन साहब ने मंत्री होने के नाते हमारे जिलाधिकारी जी प्रबंधन के साथ बैठे, उन्होंने हमारों को विश्वास दिलाया है कर्मचारियों को कि 15 दिन के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाएं,
और वो जो पांचवी मांग इनकी जो वेतन बढ़ाने की मांग है हम उसको भी पूरी करेंगे। पौड़ी के जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा रिबन काट कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगटंडे ने कहा है कि कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय पौड़ी में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका शुभारंभ कर दिया गया। इस प्लांट के तैयार होने के बाद मुख्यालय के पास के गाँव के रहने वाले जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मुहैया हो पाएगी और लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पौड़ी के अन्य विकास खंडों में भी प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे कि पौड़ी में आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर किसी भी मरीज को कोई समस्या न उठानी पड़े। पौड़ी गढ़वाल में जो महत्वपूर्ण अस्पताल है जिला अस्पताल पौड़ी, यहाँ पर पीएम केयर फंड के माध्यम से डीआरडीओ के डिजाइन अंतर्गत और टाटा के सीएसआर फंड के माध्यम से 1000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल मोड पर किया गया है। पूरे जनपद में ऐसे विभिन्न प्लांट का आज लेकर किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थली से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चली से यहाँ पर 300 लीटर कैपेसिटी और 250 लीटर प्लांट लगाए गए, उनका लोकार्पण आज किया जा रहा है। साथ साथ में कुछ अस्पताल कोटद्वार यहाँ पर भी प्लांट स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण आज इसी कार्यक्रम से किया जा रहा है। पूरे जनपद में 7000 से अधिक लीटर पर कैपेसिटी का जो प्लांट्स हैं हम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं भविष्य में अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसे निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा। नैनीताल के रामनगर के मालधन क्षेत्र में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी नैनीताल धीराज कवरयाल ने फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी धीरज कवरयाल ने बताया कि आज 86 लोग फरियाद लेकर शिविर में आए थे, जिनमें से ज्यादातर फरियादों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बकाया फरियादों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दे दिया गया है। बहुत देर से शिविर में जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि तत्काल सबका समाधान हो जाता है, कुछ एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जिनका तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी आते हैं जिनका फिर आपको एस्टिमेट बनाना है या और सारी चीज़ें भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो आज के बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 86 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुए, जिसमें 40 एप्लीकेशन हमारे ऐसे हैं जिसमें आपके प्रमाण पत्र जिसको जारी होना है, आधार कार्ड जारी होना है, तो और छोटी छोटी समस्याओं से रिलेटेड जो थे तो उनका निस्तारण हम लोगों ने किया है। और बहुत सारी समस्या क्योंकि वन क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन है, यहाँ पे लोगों को पानी की समस्या रहती है इनकी, क्योंकि वन क्षेत्र में है तो जल जीवन मिशन में ये कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ऐसे जितने गांव हैं यहाँ पे तो उनका पूरा हम सर्वे करवाएंगे इस पर कि कितने जगह पे हम जल जीवन मिशन से हट के शासन की मदद से पानी की सुविधा हम कैसे इनको मुहैया कराएंगे, तो ये समस्याएं हैं वो तो उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से पाने के लिए मजबूत स्तर पर नजर आ रही है। इसी के तहत अब कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसके चलते विधानसभा कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक की और पार्टी में नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। बेरी पड़ाव स्थित बैंकट हॉल में जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल के नेतृत्व में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए और कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा भी की गई है। सदस्यता अभियान बहुत जरूरी है, इसलिए आज पीसीसी द्वारा जो किताबें भेजी गई हैं उनको हमने ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से और सभी पीसीसी सदस्य और जो भी उम्मीदवार हैं उनके हाथ कापियां दे दी हैं और बहुत जल्दी अक्टूबर लास्ट तक इनको भरने के लिए कहा गया है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है इसलिए इसमें तेज़ी लानी इसलिए आवश्यक है कि सदस्यता अभियान अपने आप में एक संदेश देगा कि कांग्रेस की ताकत कितनी मजबूत है, कांग्रेस कितनी ताकतवर है। और इस चुनावी समर में
सबसे महत्वपूर्ण बात संगठन के लिए, संगठन में धीरे धीरे लोगों में ऊर्जा पैदा हो रही है और संगठन निश्चित रूप से हमारा काफ़ी मजबूत है, जिले से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक। संगठन हमेशा जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी लगातार लामबंद है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उनके आदेश के अनुसार जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल जी यहाँ पर आए हैं बेरी पड़ाव में लालकुआ विधानसभा के, और यहाँ पर जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि 800 किताबें जो है, एक किताब में 25 मेंबर हैं, 800 किताबें जो है हर विधानसभा वालों को भरनी है। तो इस वजह से जो है आज सारे कांग्रेस कमेटी के लोगों को लालकुआ विधानसभा के यहाँ बुलाया गया है और उनको जो है यहाँ पर ये जो है सदस्यता अभियान की जो किताबें हैं वो दी गई हैं, और कांग्रेस की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि लालकुआ विधानसभा में इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। आज हमने सारे अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सदस्यता अभियान में तेज़ी लाई जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रत्येक बूथ पर हम सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, और इस सदस्यता अभियान से क्योंकि आजकल हमारे सारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कन्वेंसिंग में हैं, तो निश्चित तौर पर इससे हमारा सदस्यता का जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे जिले प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और जो चुनाव में टिकट मांगने वाले साथी हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके विधायकों का टिकट मिल, विधायक का टिकट मिले, वो साथी भी आज पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो ये सदस्यता की बुकें लेके जाएंगे, कांग्रेस के संदेश को लेके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और उन साथी को भी मजबूती मिलेगी। इसी तैयारी के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।